ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके जिस विश्व रूप के दर्शन किए थे उसके वर्णन को पढ़ सुनकर भगवान के प्रभाव को मान लेने से भगवान के साथ योग का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथिक दशोध्याय विश्व रूप दर्शन योगो नाम अर्जुनोवाच। मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संहितं यत्वयुक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। मेरे ऊपर कृपा करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म नाम से कही जाने वाले जो वचन आपने कहे उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। भवाप्येहं हि भूतानां श्रुतौ विस्तरिषु मया वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, मैंने संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय आपके मुख से ही विस्तार पूर्वक सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कह रही हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे पुरुषश्रेष्ठ, आपके ईश्वरीय रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि त्वच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मुझसे वह स्वरूप देखना संभव है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगियों के ईश्वर, आप मुझे अपना अविनाशी स्वरूप दिखाइए। श्री भगवान वाच। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च नाना वर्णाकृतीनि च। हे पृथानंदन, मेरे नाना प्रकार के दिव्य और नाना वर्णों के तथा अनेक आकारों से युक्त सैकड़ों और हजारों रूपों को तू अब देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् दृष्ट पूर्वाणि पश्याशर्याणि भारत पश्याशर्याणि भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को और मरुतों को दे और पहले कभी न देखे हुए बहुत से आश्चर्यों को दे। एहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, आज इस मेरे शरीर में एक ही स्थान में चल अचल संपूर्ण जगत को देखो और अन्य जो कुछ भी देखना चाहो देख लो। न तुमाम शक्य सी दृष्टुम अनिनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमहेश्वरम पश्चिमे योगमहेश्वरम। परंतु तुम मुझको इन अपनी नेत्रों से देख ही नहीं सकते, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो। संजय वाच। एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर तब अर्जुन को श्रेष्ठ ऐश्वर्य रूप दिखाया। अनेक वक्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यथायदम दिव्यमालांबरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वांशर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और अनेक आंखें जिस ईश्वर की है
अनेक अद्भुत दर्शन जिसमें अनेक दिव्य आभूषण है, अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंधों का लेप किया हुआ, सबको आश्चर्य हो ऐसा देव है, वह अनंत और विश्व व्यापक है। देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदस्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् दासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ ही प्रकट हो जाए तो भी वह उस विराट स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्थं प्रविभक्तं अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। तब अर्जुन उस समय उस देवादिदेव के शरीर में एक साथ स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत का दर्शन किया। इसके बाद वे अर्जुन विश्वरूप देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्य के कारण रोमांचित होकर मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर बोले, अर्जुन हे भगवान, आपके शरीर में सारे देवताओं के और भूत प्राणियों के विशेष विशेष स्थावर जंगम समूहों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को, शंकर जी को तथा सभी ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु गर्भत्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्त रूपं नन्दं न मध्यं न पुनः समाधिं पश्यामि विश्वेश्वर महेश्वरूपम्। हे विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथों, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त और सब ओर से अनंत रूपों से युक्त देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपका न अंत है न मध्य है और फिर न आदि ही मैं देख पा रहा हूँ। किरीटिनं गदिरं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां तु निरीक्षं समन्ता दीपानलाकृतिमाप्रमेयम्। मैं आपको किरी, गदा और चक्र युक्त देख रहा हूँ, सब तरफ से प्रकाशमान तेज की राशि, दिव्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप अर्थात प्रमाणों से परे देख रहा हूँ। त्वम अक्षरम परमं देदि त्वम त्वम सविश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत गर्भगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोमतुमे। आप ही परम अक्षर और मुमुक्षुओं के जानने योग्य हैं, आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप अविनाशी हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं ऐसा मैं मानता हूँ। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्यनेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशमन्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपनीयम्। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्यो ऋतमन्तरमि व्याप्तं वेगेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं लोकमुद्रां तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मनः। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतरा और संपूर्ण दिशाएं एक आप परमात्मा से ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित अर्थात व्याकुल हो रहे हैं।
राध्या विश्वेश्वरो मृतस्यो विश्वपाशो रत्नैर्वयक्षा सरसीत संगा वीक्षन्ति त्वं विस्मितश्चैव सर्वे। जो रुद्र और आदित्य वसु और साध्य देव विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुद्गण और पितर तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों का समुदाय ये सभी आपको चकित होकर देख रहे हैं। रूपम महते बहुमत्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रतादम बहुनरम बहुदशाकरम दृष्ट्वालोका प्रविदितास्तताम। हे महाबाहु भगवान, आपके अनेक मुख आंखें अनेक भुजाएं जांघें तथा पैर अनेक पेट और अनेक विकराल दांतों वाले इस महान रूप को देखकर सारे लोग व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। नमस्कृष्ण दीतमनी कवर्णम त्याताननम दीतविशालनीतम दृष्ट्वाय त्वं प्रविदितांतरात्मा मृत्युर्विन्दामिशमं च विष्णु। हे विष्णु, आप आकाश को छू रहे हैं, आपके अनेक ज्योतिर्मय रंग हैं, आपका मुख फैला हुआ है, प्रदीप और बड़ी बड़ी आपकी आंखें, आपको देखकर ही भयभीत अंधकारण वाला मैं धैर्य और शांति नहीं रख पा रहा हूँ। दंष्टां करालानि चतेहे मुखानि दृष्ट्वैव कालमनसंमिवानि दिशो न जाने दाढ़ों से युक्त प्रलय काल की अग्नि के समान मुखों को देखकर ही मैं दिशाओं को नहीं जान रहा हूँ और शांति भी नहीं पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हुई। अमीच त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सैवा बलिपाल संगै भीष्मो द्रोणसूत पुत्रास्तदासो साहा समुदाय से आप में ही प्रवेश कर रही हो। भीष्म पितामह, द्रोण तथा सूत पुत्र कर्ण और हम में से मुख्य मुख्य योद्धा इनके साथ बड़े वेग से आपके भयानक दाढ़ों वाले मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ टुकड़े टुकड़े हुए मस्तकों से आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहुमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिमेच्छन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र की तरफ ही बढ़ते हैं, वैसे ही ये संसार की शूरवीर आपके सब ओर से जलते हुए मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धमेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धमेगा। जैसे पतंग अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में बहुत वेग के साथ प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपने नाश के लिए आपके सब ओर से जलते हुए मुखों में बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। लीलया सेन्द्र समान समंदा लोकान समग्रान वदनै ज्वलति तेजो विरापूय जगत् समग्रं पाशस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विश्व। हे विष्णु, आप आकाश को छू रहे हैं, शत्रुओं को तुम निस्संदेह जीत लोगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगद्गदम्भीतपीतं प्रणम्य। भगवान केशव की इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़े हुए नमस्कार करके
तथा अत्यंत भयभीत होकर फिर से प्रणाम करके गदगद होकर भगवान कृष्ण से बोली, अर्जुनावाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगद रक्षत्यनुरच्छति च रक्षांसि वीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति। सारे जगत में व्याप्त हो और आप सब कुछ हो। सखीति मत्वा प्रसवम्य दुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखीति अजानता महिमानं तमेदं मया प्रमादा प्रणेन वापि यच्चावासार्थम सत्कृतोषी विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्थवाप्युच्यत तत्समक्षं तच्चामेता मम। आपको न जानते हुए आपको सखा मांगे मेरे परम प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण हे कृष्ण हे यादव हे सखा इस प्रकार जो कुछ भी अनादर पूर्वक कहा गया होगा और हे अच्छे हंसी दिल्ली या मजाक में चलते फिरते या विहार करते हुए सोते जागते हुए उठते बैठते हुए अकेले में अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने भी आपका तिरस्कार किया गया होगा उसके लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। पिता सिलोकस चराचरस त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरिया
लंबा पढ़ते भूमि का स्पर्श करते हुए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रणाम करके मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता का पुत्र का पिता के समान, मित्र का मित्र के समान, पत्नी का पति के समान। हे देव, आप मेरे द्वारा किए गए अपमान को सहन करने में समर्थ हैं। अहमेवं विदुर्जनं ज्ञातुं न शक्यं तत्त्वेन प्रवेशः।
प्रताप देने वाले भरतवंशी अर्जुन अनन्य भक्ति से इस प्रकार चतुर्भुज रूप से मुझे तत्व से जानना या देखना तथा मुझ में प्रवेश करना या मुझे प्राप्त करना संभव है। मत कर मत मन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैन सर्व भूतेषु यस्माभिरति पांडवः। हे अर्जुन, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला मेरा परायण है, मेरा भक्त है और जो आसक्ति रहित है सर्वभूत प्राणियों के प्रति निर्वय है, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम नामैकदशोऽध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस प्रकार ओम तत् सत् इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद् गीतोपनिषद में श्री कृष्णार्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत।